गरीब का घास का घर और शौक। बहुत समय पहले की बात है, खुशबू नाम की लड़की सरुआठा गांव में अपनी माता पिता के साथ रहती थी। खुशबू के माता पिता बहुत गरीब थे, जंगल से लकड़ियां काट के अपनी पेट पर गुजारा करते थे। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलते थे वही पैसा से अपनी घर चलाते थे। एक दिन खुशबू के माता पिता लकड़ी काटने जाते हैं, शाम होते ही वो घर लौटकर नहीं आते हैं। यह देखकर खुशबू के अपनी माता पिता को चिंता लगने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी खुशबू सोचती है, लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं, मुझे फौरन जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद खुशबू हिम्मत करके किसी भी तरह जंगल में पहुंच जाती है और जंगल में अपनी माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? माँ, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर खुशबू अपनी माता पिता को ढूंढने लगती है। तभी जंगल में एक जादूगरनी की नज़र खुशबू पर पड़ती है और ये सोचती है, मुझे काफी दिनों से अपने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता थी। ये लड़की मेरे घर की नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है, मैं इसे अभी पकड़कर अपने घर लेकर जाती हूँ। उसके बाद जादूगरनी खुशबू के सामने पहुँच जाती है। जादूगरनी के डरावना रूप देखकर खुशबू घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी जादूगरनी एक जादू से रस्सी निकालकर खुशबू के ऊपर फेंक देती है और खुशबू के रस्सी में जकड़कर अपने ओर खींच लेते हैं। तभी खुशबू वो जादूगरनी से कहती है, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, मुझे घर जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज से तुम मेरे घर की नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे घर का सारा काम करोगी। नहीं नहीं, अब मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम चाहे जितना भी गिड़गिड़ा लो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब चुपचाप से चल मेरे साथ। तभी जादूगरनी खुशबू के अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और जादूगरनी खुशबू से सारे दिन अपने घर के काम करवाते हैं। बिचारी खुशबू दिन भर काम कर कर थक जाती है, लेकिन जादूगरनी की उस पे थोड़ा भी तरस नहीं आता है, उल्टे जादूगरनी खुशबू के पिटाई करती है। फिर एक दिन खुशबू वहाँ से मौका पाकर भागने लगती है, लेकिन जादूगरनी की पालतू कुत्ता खुशबू के भागते हुए देख लेता है और जाके जादूगरनी की सब कुछ बता देता है और जादूगरनी खुशबू को पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में खुशबू के पकड़ के अपने घर ले आते हैं और वो जादूगरनी खुशबू से कहती है, लगता है मेरा मार का तुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा तू यहाँ से भागने का सोचेगी भी नहीं। इतना कहकर जादूगरनी अपनी हथियार से खुशबू के पैर काट देती है।